बनाना गोलगप्पे क्रंची हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। गाइस हम लोग गोलगप्पे बना रहे हैं, ये देखें इस तरीके से हम डाल रहे हैं इसके अंदर चना और आलू और फिर लास्ट में हम लोग और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने क्वांटिटी में गोलगप्पे मंगवाए हैं। और देखो सब माँ, ये प्लेट तो गीली नहीं हो रही, ये देखें गाइस। और ये हमारी महासाहिबा जो है ये गोलगप्पे निकाल रही है प्लेट में। और ये हमने मंगवाए हैं कुछ 50 गोलगप्पा, इसमें 50 है, इसमें 25 है और इसके अंदर 25 है, बाकी इसके अंदर पानी वगैरह सब चीज़ें हैं। और ये हमने कहाँ से मंगवाए हैं इसकी लिंक पहले बताइए कि अच्छे के नहीं है, अच्छे ही होते हैं क्योंकि मैं यहाँ से खाती रहती हूँ। तो इसका जो गाइस वो होगा एड्रेस और प्राइस, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूँगी। तब तक हम पहले गोलगप्पे बनाएंगे, हम सेटिंग करेंगे, प्रॉपर प्लेट की डेकोरेशन होगी। और हमने एक आइटम और मंगवाया, वो कहाँ है, यहाँ पर रखते हैं वो था सफर करना। तो गाइस ये है GSB के फेमस दही बड़े, दही बल्ले नहीं दही बड़े। ये अभी हम जब इसको शॉपर से निकालेंगे तो हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर। तो गाइस अब हम पहले इसकी सेटिंग करते हैं, फिर जब हम इसको बनाने लेंगे क्योंकि इसको बनाना भी आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है, आर्ट। उसको अभी हम बनाएंगे अच्छी तरीके से, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दही बड़े, दही बड़े चटपटे मीठे और साथ में इसकी है पापड़ी जो चॉप्ड होती है। तो मैंने दिए हैं इसको ना ये। तो गाइस अब हम इसको सफेदा इसमें से पानी निकालूंगे ना। और मीठा कौन से खट्टे कौन से बता दें। पानी 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 निकालने होता है मीठा, तो एक में मीठा रखेंगे ना, एक में वो रखेंगे। तो गाइस ये देखिए ये है इसका बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी। हाँ और ये है इसके साथ प्याज और ये तो पापड़ी और इसके अंदर है चना और आलू का मिक्सचर, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और ये पानी देखिए इसमें जीरा भी है। और ये है मीठी चटनी, ये है रायता और ये देखिए आप ये आलू की भुजी। और शुरू कर रहे हैं बनाना गोलगप्पे क्रंची हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। No, सुबह go inside. Go inside. दोनों के बच्चे अंदर जाओ। ये कुछ भी नहीं हमने डाले। कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें हम डाल रहे हैं कुछ आलू और चना और हम जो मीठी चटनी है गाइस वो हम लास्ट में डालेंगे वरना गोलगप्पे हमारे सॉगी हो जाएंगे। अरे भाई मुस्तफा को अंदर ले जाना। मुस्तफा पास करना थोड़ी। गाइस हम लोग गोलगप्पे बना रहे हैं, ये देखें इस तरीके से हम डाल रहे हैं इसके अंदर चना और आलू और फिर लास्ट में हम लोग मीठी चटनी डालेंगे और रायता सब लास्ट में डालेगा और प्याज भी लास्ट में ही डालेगी। ये देखने गाइस कितना मज़ेदार लग रहा है। छोटा का गोलगप्पा लग रहा है, ठेला लगा लेना चाहिए गोलगप्पे का। हम इतने मजेदार गोलगप्पा बनाते हैं कि गोलगप्पे वाले पे क्या ही बनाते होंगे। बनाती रहते हैं गोलगप्पे, तुम्हें प्रैक्टिस है। हाँ हमारे घर पर आते हैं। ये देखिए गाइस ये गया इसमें
आलू बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, मेरी भी प्लेट जो है फिनिश हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे चटनी और फिर हम खाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने आशीर्वाद ही पकड़ना, बोले पानी निकाल लिया है दोनों बाउल के अंदर और मैंने इसकी गार्निशिंग भी कर ली है दही बड़े की पापड़ी डालने के बाद। अब मैं गोलगप्पे में डालने वाली हूँ प्याज। और ये है गाइस साथ पापड़ी डालना है। हाँ तो फिर इसको रहने दो गाइस। प्याज खराब है तो हम प्याज नहीं डाल रहे और इसमें ले सकते हैं, तो हम पापड़ी डाल रहे हैं। ये बनी हुई है ना प्लेट? जी सारी बनी हुई है, तीन तीन बनी। तो इस तरीके से पहले उधर डाल ली मीठी चटनी। मीठी चटनी लास्ट में डलती है, ऐसे नहीं डलती मीठी चटनी। तो हम डाल रहे हैं इसके अंदर पापड़ी। ओके गाइस ये प्लेट हो चुकी है रेडी। तो गाइस हम शुरू कर रहे हैं चैलेंज। मेरी प्लेट है आयशा वाली के पीछे कितना बड़ा है। चलो रेडी रेड 1 2 3 12 12 गोलगप्पे 1 2 3 गो। ये बचा है।
देखकर तो हम ऐसे और भी बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए लेकर आएंगे। क्या है क्या हट हट। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। क्या कर रही तू? पसंद आया होगा और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय bye bye।